वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कर्म एंड को। सो आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टर्म है, बट यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमारे लिए नीड है। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी कम फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज साइको एंड सेकंड इज लॉजिया। तो ये इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये हमारे आते हैं, दीज आर दी ग्रीक वर्ड्स। सो साइके का मतलब है हमारा मेनली सोल, ब्रेथ, और लॉजिया का अगर हम बात करें तो हमारा मेनली इसका मीनिंग होता है स्टडी, या फिर हम बोल सकते हैं रिसर्च। ओके, तो साइकोलॉजी हमारी है क्या। तो साइकोलॉजी इज मेनली द स्टडी ऑफ सोल। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम जो एक्शन हम कर क्यों रहे हैं, हम जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, हम ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। तो मेनली हम बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन क्यों करते हैं, या फिर अगर हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ना। तो अगर हम उसकी बात करें तो नॉर्मल हम एक एज अ टीचर अगर हम किसी भी क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस चाइल्ड का बिहेवियर समझना पड़ेगा, और उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिकॉज अगर हम इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो हम नहीं पता लगा सकते कि बच्चा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है। सो अगर हम इसकी बात करें साइकोलॉजी, तो अलग अलग रिसर्चर ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं। सो हम यहाँ पर एक या दो डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं विलियम जेम्स। तो सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट की जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज विलियम जेम्स। तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो काफ़ी बार सीटेट और अगर हम बाकी टेट के एग्जाम की भी बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि फादर ऑफ अमेरिका, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो वो हमारे थे विलियम जेम्स। तो इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में क्या डिफाइन करा, हम यहाँ पर वो देखेंगे। साइकोलॉजी है क्या, तो उन्होंने बोला द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशन। कि हम यहाँ पर मेंटल लाइफ के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोई किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्यों करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली कि फिनोमिना, उसकी कंडीशन, कैसे उस टाइम पे वो इंसान रिएक्ट करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज अगर हम सेकेंड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो सेकेंड हमारे थे जॉन बी वॉटसन। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो इन्होंने किस टाइम पे अपना डिफाइन दिया, तो इन्होंने दिया था 1913 में इन्होंने बात करी अबाउट साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी होता क्या है। तो इसमें हमने इन्होंने बताया एक्विजिशन, अभी हमने बात करी जॉन बी वॉटसन, इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी बोला जाता है। तो मेनली हमें यहीं से पता लग रहा है कि इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में बात करी है कि चाइल्ड क्यों ऐसा बिहेव करता है,
और चाइल्ड के बिहेवियर को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे रीइन्फोर्समेंट थ्योरी के बारे में, पनिशमेंट के बारे में, तो वो हम डिटेल में इसकी थ्योरीज के बारे में बाद में जाएंगे। तो अभी हम बेसिक इतना बस पता करते हैं कि इन्होंने साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्या डिफाइन दिया और क्या बोला। तो अभी तक हमने बात करी कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या डिफाइन करी। तो अब हम पढ़ेंगे मेनली कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से स्टार्टिंग होती है, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो कोई भी चीज़ एक फिक्स नहीं है, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है, हर एक चीज़ में चेंज आता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो कभी नहीं रुकता, हर एक चीज़ में चेंज आना ही है, चाहे वो हमारा आसपास का क्लाइमेट हो, आसपास का वेदर हो, हमारी लाइफ हो, हर एक चीज़ में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो हम अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो दो जो चेंज हमें देखने को मिलता है उसी को हमने कहीं ना कहीं नाम दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात करा कि चेंजेस, तो चेंजेस अगर हम बात करें हम दो रिस्पेक्ट में इसके बात कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम इसे अगर कैटेगराइज करें तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट की बात हम करेंगे, स्पिरिचुअल हो जाए, मोरल हो जाए, इमोशनल हो जाए, कॉग्निटिव, तो ये सब हम बात करेंगे। तो ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक बहुत स्मॉल पार्ट है इसका। सो इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें ग्रोथ, तो ग्रोथ हमारा हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, तो थिंग्स विच वी कैन मेजर। तो इसके अंदर अगर हम मेजर की बात करें तो हम क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ में हम देख सकते हैं कि जिसमें हम चेंज देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो वो सब हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया। तो ये सब चीज़ें हम हाइट, वेट, एज, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी चेंज होती रहती है और ये सब चीज़ें हम देख के मेज़र कर सकते हैं इजीली। थर्ड चीज़ हम इसे बोल सकते हैं कि इट्स अ क्वांटिटिव पार्ट, कि अभी हमने बात करी जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं हम क्वांटिटी है यहाँ पर, हम बता सकते हैं कि किसी के हाइट इतना सेंटीमीटर है, किसी का वेट इतना केजी है, किसी की एज इतनी है, तो हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट में वो चीज़ हमें अभी देखने को नहीं मिलेगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज This, कि इट स्टॉप्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एज तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एज हमारी बढ़ रही है, बाकी अगर हम हाइट, वेट इन सब की बात करें तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आके कॉन्स्टेंट हो जाती है, इतना ज़्यादा हमें मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो हाइट तो हम बोल सकते हैं कि एक टाइम के बाद आके रुक गई, वेट में भी हम थोड़ा बहुत डिफरेंस देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं कि लास्ट तक हमारी चीज़ें चलती रही, या फिर हमारा एक हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंट हमें देखने को कंटिन्यूटी में मुश्किल ही मिलेगा इन सब चीज़ों में। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट आ जाती है, तो वो सब जैसे कि हमारा हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारा मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो अभी हमने बात करी फिजिकल डेवलपमेंट की और यहाँ पे ग्रोथ की, तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ
कैन बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और ग्रोथ में हमारा केवल एक फिजिकल वाला जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है बस वो हमारा उतना ग्रोथ में आ रहा है. सेकेंड चीज़ बोल सकते हैं कि ये हमारा क्वांटिटेटिव भी है क्योंकि इसमें फिजिकल आ रहा है तो हम उसे क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं एज वेल एज क्वालिटेटिव कि हम नहीं बता सकते कि किसी का इमोशनल लेवल क्या है, कोई किस लेवल पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो हम उसको एक नंबर नहीं दे सकते. तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट्स अ क्वालिटेटिव पार्ट कि इट्स अ क्वालिटी कि कोई इतना इमोशनल क्यों है, किसी का ऐसा बिहेवियर क्यों है, किसी की लैंग्वेज ऐसी क्यों है, तो वो सब चीज़ें हम नहीं बता सकते नंबर में. तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव पार्ट है और क्वान्टिटिव की हमने बात करी कि फिजिकल की वजह से हमने इसे एक क्वान्टिटिव भी यहाँ पे इंक्लूड करा है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल ग्रोथ की. सेकंड चीज तो यहाँ पे हमने बात करी वूम टू टू कि यहाँ पे जब बच्चा कंसीव करती है एक मदर तो तब से उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो कब तक चलता है तो मतलब जब तक उसकी मृत्यु है जब तक वो मर नहीं जाता तो तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है. अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की तो फिजिकल डेवलपमेंट हमने बात करी एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाता है. लेकिन अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी इंसान किसी भी एज में कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकता है. तो वो सब चीज़ें हैं स्पिरिचुअल की उसका कैसा भी वो चीज़ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर साथ के साथ मॉरल डेवलपमेंट की. जैसे कि अगर हम बाद में बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज में कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी इन सब के बारे में कि अलग अलग स्टेजेस तक उन लोगों ने कैसे पहुँचे कैसे हम उस स्टेजेस तक पहुँचे तो वो एक कंटिन्यूटी में है कि अगर हम उस चीज़ को उस लेवल को चाहें तो हम चीज़ें ग्रास्प करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं इजीली. सो अभी तक हमने डिस्कस करा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की प्रिंसिपल की कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. तो फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है डेट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और चेंज. तो नेम से ही हमें पता लग रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं कि चीज़ें कंटिन्यूस में चल रही है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमने डेवलपमेंट बात करी कि वो वूम से लेकर टूम तक जाता है मीन्स इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो कंटिन्यूस में चलता रहता है चीज़ें कि कभी ख़त्म नहीं होती है और जैसे जैसे हम चीज़ें टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं हम वो चीज़ें अडेप्ट करते रहते हैं हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं. आफ्टर डेट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम जनरल चीज़ें पहले सीखते हैं देन हम स्पेसिफिक की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जैसे मैथ्स तो मैथ्स में हमें क्या दे दिया जाता है एक बेसिक एक जनरल एक फॉर्मूला दे दिया जाता है फिर हम धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके बाद हम चीज़ें सीखते हैं कि स्पेसिफिकेशन कि हम कहाँ पे स्पेसिफिक वो फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमारा कोई अनदर फार्मूला यूज़ होगा या फिर और कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. इसका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम बच्चे का देखें तो जो छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो अपना क्या स्टार्ट करता है वो अपना हैंड्स मूवमेंट स्टार्ट करता है इंस्टेड ऑफ फिंगर. वो धीरे धीरे हैंड्स के बाद फिर वो फिंगर मूवमेंट सीखता है. तो वो पहले एक जनरल चीज़ें सीखता है कि पूरा हाथ को कैसे हिलाना और उसके बाद वो स्पेसिफिक मीन्स फिंगर की तरफ आता है. उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमारा क्या चीज़ होती है कि अगर हम एक क्लासरूम में जाएं एज अ टीचर तो हमें देखने को मिलेगा कि हर एक बच्चा अलग अलग कहीं ना कहीं सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है. उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है उसका हर एक चीज़ में हम फाइनेंशियली भी बोल सकते हैं प्लस उसका कल्चर अलग हो सकता है. तो हर एक बच्चा अलग अलग चीज़ें सीख कर आ रहा है स्कूल में पहले से. तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक बच्चा अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें अलग है. कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी और एक्टिविटी में अच्छा है. तो हर एक में कहीं ना कहीं एक टैलेंट भी है. तो वो सब चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है एज अ टीचर. उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस. यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं. यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक सेम पैटर्न चीज़ें चलती आ रही हैं. अगर हम बात करें ठीक है तो एक बच्चे की स्टेजेस की हम बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या बाकी भी आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन्फेंसी ठीक है. तो बच्चा एक छोटे से धीरे धीरे वो चीज़ बड़ी बड़ी होते एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. इसका अगर एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो एक बच्चा है जो हमारी कंट्री में रहता है, एक बच्चा है जो किसी और कंट्री में रहता है, तो स्टार्टिंग हम किससे बोल सकते हैं? कुइंग से, देन बैबलिंग, देन छोटे छोटे वर्ड सीखेगा, तो वही एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस है। तो हर एक उसी स्टेज से पास ऑन होके वो लैंग्वेज बोलना सीखेगा। तो कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा पहले दो वर्ड बोलना सीखेगा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं थ्री वर्ड्स बोलना सीखेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट उसने आज वन वर्ड सीखा और उसके बाद में थ्री वर्ड। तो हम कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते इसमें। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न, कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस हमारा रहता है। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेपर में हमारे पूछा भी जाता है। अगर हम सी टेट या बाकी टेट के एग्जाम्स की बात करें तो काफ़ी सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो इसका मीनिंग क्या है? तो सिफेलो से एक सबसे इजी वे है इसे याद करने का कि साउंड से हम पता लगा सकते हैं। सिफेलो मतलब सी का साउंड आ रहा है, तो सिर, तो हमारा जो सिर से लेकर और हमारा पैर तक हम बोल सकते हैं, मतलब हेड टू टो। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, तो जब बेबी वूम के अंदर होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप होती है? तो सबसे पहले उसका हेड डेवलप होता है, उसके बाद उसके बाकी बॉडी पार्ट नीचे की साइड से फिर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऊपर से होना शुरू करता है और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के नीचे के बॉडी पार्ट डेवलपमेंट हो गए। उसके बाद हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमारा क्या है कि सेंटर टू पेरिफेरी चीज़ें जाती हैं। सेंटर टू पेरिफेरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बॉडी है, मतलब सेंटर, मतलब हमारा अगर हम बोलें बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला जो पार्ट है वो पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हमारे हैंड्स, देन हमारा फिंगर। तो इसी तरीके से जाती है सेंटर से पेरिफेरी, मतलब बाहर की साइड हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब चीज़ें हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोरिलेट, कि हम एक चीज सीख रहे हैं उसके बाद हमने कुछ और चीज सीखी फिर हम उस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे अभी हमने बात करी जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कि पहले हमने एक पूरी चीज़ें सीख ली उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें सीखेंगे कि अच्छा हमें यहाँ पे इस सिचुएशन में ये वाली, इस तरीके से हम उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, हम बाकी की प्याजे की थ्योरी में भी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का वर्ड पढ़ेंगे। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का यहाँ पे अगर मैं यूज़ लेके बताऊँ, तो फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसने वो आसमान में देख रहा है और उसने देखा एक एरोप्लेन को उड़ते हुए, ठीक है, या फिर उसने उसने एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, उसके बाद उसको किसी ने बता दिया, उसने पूछा कि ये है क्या, उसे नहीं पता कि वो एरोप्लेन है, तो उसके किसी फैमिली मेम्बर ने बता दिया कि बेटा ये एरोप्लेन है। नेक्स्ट टाइम जब वही बच्चा किसी बर्ड को भी उड़ते हुए देखता है तो वो सेम वर्ड यूज़ करता है कि एरोप्लेन है, लेकिन वो तो एक वर्ड है। तो यही चीज़ की अब उसने एक जनरल चीज़ें सीख ली, उसने ये सीख लिया कि जो भी चीज़ आसमान में उड़ती है हम उसे एरोप्लेन बोलते हैं, लेकिन उसके बाद हम बच्चे को ये चीज़ सिखाएंगे कि हर एक उड़ने वाली चीज़ एरोप्लेन नहीं होती है, तो हम उसे स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन चीज़ें सिखाएंगे। तो जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता रहेगा वो इंटीग्रेट करता रहेगा, जो उसकी प्रायर नॉलेज होगी, जो उसकी पहले की नॉलेज होगी उसी के थ्रू उसमें एकोमोडेट करता रहेगा। फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, तो इंटर रिलेशन क्या है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो चाहे हमारी सोशल डेवलपमेंट हो, इससे पहले हमने अलग अलग डेवलपमेंट की बात करी, हमारी सोशल, मोरल, कॉग्निटिव, फिजिकल, तो इसी तरीके से हमारी फिजिकल, स्पिरिचुअल, काफ़ी सारी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे से इंटर रिलेट है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा फिजिकली वीक है वो स्कूल जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव मतलब जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी वो बाकी बच्चों के कंपेरिजन में कम होगी। अगर एक बच्चा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने, हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मिड डे मील का, तो मिड डे मील लॉन्च करने का एक रीज़न सबसे बड़ा क्यों था? तो पॉवर्टी, ठीक है कि हाँ बच्चे पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, तो उसका यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न एक ये था मिड डे मील गवर्नमेंट की साइड से लॉन्च करने का, कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है वो भूखा पेट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है उसका जो कंसंट्रेशन होगा, जो फोकस होगा क्लास में उतना नहीं होगा,
बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो घर से अच्छे से खाना वाना खा कर आ रहे हैं। तो डेट्स द रीज़न गवर्नमेंट ने मिड डे मील का स्कीम लॉन्च करी कि जिससे कि बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो माल न्यूट्रिशन की हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के बच्चे इस चीज़ से इफेक्टेड रहते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मिड डे मील लॉन्च करेगा। और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे और उनका क्या हुआ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ा, कि फिजिकली तो वो ऑफकोर्स डेवलपमेंट उनका अच्छा होगा, साथ में साथ जो उनका कॉग्निटिव जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वो और ज़्यादा लोगों से सोशलाइज हो पाएंगे, तो ऑफकोर्स ये बात है उनका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो वो मॉरल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उनका इनहेंस होगा। तो इस चीज़ इससे हम पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेट है, हम किसी को भी स्किप करके या किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि अगर एक इफेक्टेड होगा तो ऑफकोर्स ये बात है दूसरा भी पार्ट हमारा इफेक्टेड होगा। सो अभी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, तो मैच्योरिटी एंड लर्निंग में हम ये चीज़ बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम थ्रू समझे आई थिंक बेटर है कि एक बच्चा है जो 5 ईयर का है, ठीक है, तो अगर हम बोलें तो उसकी एज वो उतना मैच्योर नहीं है शायद जितना एक 11 ईयर्स या एक एडोलेसेंस या हम लोग होंगे शायद कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने के लिए। तो मैच्योरिटी और लर्निंग इंटरलिंक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चा जिस लेवल पर है, जिस एज, अगर हम एज की पर्टिकुलर एज की बात करें कि एज के जिस लेवल पर है हम उसे उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसे चीज़ें सिखानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी 5 साल के बच्चे को शायद हम क्यूब या फिर एरिया पेरीमीटर या फिर हम बोले ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ें अगर हम उसे समझाते हैं तो उसे ऑफकोर्स ही बातें उसे नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है अभी वो उसके एज के अकॉर्डिंग ही है, वो उतना नहीं पहुंचा कि वो उस लेवल की चीज़ें अभी सीख सके। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी हमारी क्या चीज़ है, जो जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें अपने एंसेस्टर से चीज़ें मिली हैं। तो हम अभी क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात करेंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हेरिडिटी में हम क्रोमोसोम के कि जो हम बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारी जीन्स, कि अगर हमारे फैमिली में कोई हमारे मदर फादर इंटेलिजेंट है तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम हाइट का बोलते हैं कि अगर उसके किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जो बच्चे की हाइट है वो भी छोटी हो, या फिर किसी के पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चे उसके बच्चे की हाइट भी बड़ी हो। तो वो सब जीन्स की वजह से हमारे होते हैं। तो हेरिडिटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है डेवलपमेंट पर। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि हेरिडिटी का कि अगर उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के चांसेस हैं इंटेल, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो क्या, तो इट डजंट मीन कि वो बच्चा नहीं चीज़ें सीखेगा। तो चीज़ें हमें सिखानी पड़ेंगी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक इन्वायरमेंट मतलब जो उसे हम दे रहे हैं, जो उसके आसपास के इन्वायरमेंट से मिल रहा है, जो चीज़ें इन्वायरमेंट के थ्रू वो सीख रहा है, तो उन सब का इफेक्ट, तो हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा जो उसे जीन्स के थ्रू मिला है, प्लस इन्वायरमेंट जो आसपास से वो जो चीज़ें सीख रहा है, तो डेवलपमेंट में दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। हमने बात करी डेवलपमेंट एक फेज वाइज होती है, तो हम ये नहीं बोल सकते लीनियर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट चलती जा रही, तो एक स्ट्रेट पाथ में नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे। तो हम वही बात कर रहे हैं, तो स्पाइरल हमारा क्या होता है, हमने नोटबुक पे हम देखते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, तो कुछ इस तरीके का होता है। तो स्पाइरल में क्या चीज़ होती है कि बच्चा चीज़ें सीखता है। अभी हमने बात करी एसिमिलेशन एकोमोडेशन की, हमने बात करी कि बच्चा जो भी चीज़ें आसमान में उड़ता देखता है उसे एरोप्लेन बोलता है, तो हम उसे चीज़ सिखाने की नहीं, हर एक उड़ने वाली चीज़ एरोप्लेन नहीं होती, वो बर्ड भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, इट कैन बी हॉट एयर बैलून या कुछ और। तो जब हम बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं तो वी शुड गिव सम टाइम टू डैट चिल्ड्रन, कि हमें उस बच्चे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि वो उस चीज़ के साथ एकोमोडेट कर ले, उसे अपने अंदर चीज़ें ग्राप्स कर ले, तो उसके लिए हमें थोड़ा उसे टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें सीखेगा वो। तो स्पाइरल डेवलपमेंट में हमारी वही चीज़ है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूटी में हमारा ऐसे नहीं कि बस चलता जा रहा है, तो जहाँ बच्चे को नहीं एक सिचुएशन एक नई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी
तो वो उससे कैसे टैकल करेगा? तो जो भी उसके प्रायर एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो उसको अप्लाई करके देखेगा वहाँ पर। अगर वो उस सिचुएशन को उसके थ्रू नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो मे बी हम अपना कुछ उसे, हम उसे कुछ सजेशन देंगे, कुछ एडवाइस देंगे, कुछ उसकी हेल्प करेंगे, या फिर वो कोई और अलग मेथड वहाँ पे सोचेगा कि मैं कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो थोड़ा टाइम लेगा चीज़ों को एडजस्ट करने में, और उसके बाद फिर से वो डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पाइरल डेवलपमेंट में यही है कि हम जहाँ पे नई चीज़ सीखते हैं, हम थोड़ा टाइम लेंगे उसे एडजस्ट करने का, उसके बाद फिर हमारी डेवलपमेंट फिर से शुरू हो जाएगी। फिर है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिखाई जाती है कि आप सबके एग्ज़ाम आते होंगे, तो आप लोगों ने भी ये चीज़ देखा होगा कि एग्ज़ाम से वन नाइट पहले या एग्ज़ाम डे की जो भी मॉर्निंग है, हम लोगों को लगता है रिवीजन मस्ट है। क्यों लगता है ऐसे? रिवीजन मस्ट है क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी रिसेंट में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने सीखी हैं, वो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी, आपने उसका रिवीजन नहीं करा, ऑफकोर्स ही बात है वो चीज़ें भूल जाओगे। तो वही चीज़ है कि एक अर्ली, तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी चीज़ हमने रिसेंट में अभी सीखी है, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, इंस्टेड ऑफ जो हम बहुत पहले चीज़ें सीख चुके हैं, तो वो हम धीरे धीरे विद टाइम हम भूलते रहेंगे अगर हम उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये हमारा पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी क्या है, देन एनवायरनमेंट क्या है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारी क्या है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने बात करी हेरिडिटी, तो जो क्वालिटीज़ हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, जिसके साथ हमारा बॉर्न हुआ है, तो वही चीज़ हमारे सब हेरिडिटी में आ जाती है, और इसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हमारे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कि बोलते हैं ना कि अगर बच्चा जन्म से उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या जीन्स में अगर हम बोलते हैं कि जीन्स का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ की जैसे हमने बात करी PWD की, तो बहुत सारी हमारी फिज़िकल डिसेबिलिटी ऐसी है जो बचपन से बच्चे को देखने को मिलती है, और उसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में रोल पड़ता है। कि किसी का फिज़िकल डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता, किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता, ड्यू टू दिस फैक्टर हेरिडिटी। उसके बाद जीन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। एंड लास्ट वन इज़ ना कि एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में, एक वन मार्क्स के क्वेश्चन के उसमें पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट, ठीक है, इन आर बॉडी। तो वी कैन से 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम से मिलकर हमारे जायगोट बनता है, और उस जायगोट से ही हमारा एक फुल, उसके बाद हमारा एक बेबी डेवलप होता है। तो अगर हम बात करें पेयर्स, अगर हमसे पूछे जाएंगे कि हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर देयर इन आर बॉडी, तो हम बोलेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। बट अगर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए दैट हाउ मैनी क्रोमोजोम आर इन आर बॉडी, तो उसमें हमारी पेयर की बात नहीं करी, तो हम इंडिविजुअली वहाँ पे काउंट करेंगे, तो उसके बाद तब हम बोलेंगे दैट देयर आर 46 क्रोमोजोम इन आर बॉडी। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास से सीख रहे हैं, वो हमारा सोशली, वो हम लोगों से मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है कि हाँ हमने चीज़ें सीखी, एक सिचुएशन फेस करी, उस सिचुएशन को फेस करने के बाद हमने सीखा कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे मे बी हमारे लिए ये चीज़ सही है या फिर ये गलत है, वो मे बी किसी और के लिए सही गलत, जो हमारे लिए सही है मे बी किसी और के लिए गलत हो, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमें बेस्ट लगता है हम वो चीज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं हम अपने एनवायरमेंट से हमें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद होता है हमारा कल्चर, कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हमारे कि हमारा लोकल फॉक्स हमारे क्या बोलते हैं, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में उसके थ्रू जानते हैं। उसके बाद है हमारा सोशल और इमोशनल, वही चीज़ कि हम अपनी सोसाइटी से चीज़ें सीखते हैं, इमोशनल लेवल पे हमारा डेवलपमेंट होता है। और अगर हम डेवलपमेंट को सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो वी कैन से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि हेरिडिटी जो हम चीज़ें जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं, जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर पहले से हैं,
कि कुछ चीज़ें होती है ना कि बोल दिया जाता है कि इसके अंदर तो जन्म से ये चीज़ क्वालिटी है, कि ये तो बचपन से ये टैलेंट लेकर आया है, तो वो कहीं ना कहीं हम जीन्स का बोल सकते हैं कि हाँ जीन्स की वजह से उसमें बच्चे में वो चीज़ पर्टिकुलरली प्रेजेंट है। तो एक हेरिडिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट, जो हम अपने आसपास जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हम चीज़ें सीखते रहते हैं। तो वुडवर्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ बोली कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। तो अगर हम बोले हेरिडिटी में भी अगर थोड़ा सा भी कुछ जीन्स में या प्रॉब्लम हुई है, कुछ और हुआ, तो उसका हमारी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और एनवायरमेंट को तो ऑफकोर्स ही बात है हमारा इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, क्या क्या स्टेजेस में क्या क्या बच्चा सीधे क्वालिटीज शो करता है या किस तरीके से वो बिहेव करता है, तो हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सो अभी हमारा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रीनेटल पीरियड। तो प्रीनेटल पीरियड हमारा कौन सा होता है, कि जब मदर बेबी को कंसीव करती है तो उस टाइम से लेकर जब तक उसका बर्थ होता है, मतलब 9 मंथ्स जब तक वो वूम में रहता है, अपनी जो माँ है उसके घर में रहता है, तो वो हमारा टाइम होता है प्रीनेटल पीरियड। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी हमारा स्टार्ट होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, देन हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 ईयर्स, देन हमारा लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स, एंड एडोलेसेंस डेट इज 11 to 18 ईयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हर एक स्टेजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कैसे बच्चा बिहेव करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो अभी हम एक एक करके सारी स्टेजेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम स्टेज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट्स इन्फेंसी। तो इन्फेंसी अभी हमने टाइम पीरियड तो देख लिया कि बर्थ टू 2 ईयर्स, तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम सबसे पहले ये चीज़ बोल सकते हैं सेंसेस। तो यहाँ पे मैंने सेंसेस का मतलब क्या है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो सब वो चीज़ें कैसे सीखता है, तो थ्रू सेंसेस वो चीज़ें लर्न करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेंसेस आर द टीचर्स। तो यहाँ पे आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ दे दीजिए तो सबसे पहले वो क्या करेगा, देखेगा, उसे मुंह में डालेगा। तो वो मुंह में डालने का रीज़न क्या है, कि वो बच्चा टंग, जो कि एक उसका सेंस ऑर्गन है, उसके थ्रू वो चीज़ें टेस्ट करके देखना चाहता है कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो वो यहाँ पे सेंसेस के थ्रू सीख रहा है, वो बच्चा उस चीज़ को छूता है, उसे फील करता है, तो स्किन का यूज़ कर रहा है, वो देख रहा है, अपनी आइज़ का यूज़ कर रहा है। आप देखो बच्चे को आप आवाज़ लगाओ, 6 मंथ्स का बच्चा है तो बहुत जल्दी मतलब आपकी साइड फेस टर्न करके देखेगा, तो ईयर्स का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मेनली वो बच्चा किस चीज़ के थ्रू सीखता है, तो यहाँ पे वो अपनी सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। तो अगर हम बात करें तो जो बच्चा इस स्टेज में होता है इन्फेंसी में, तो यहाँ पर क्रॉलिंग वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है, कि पहले वो क्या करता है, हाथ और पैर दोनों का यूज़ करता है, उसके बाद फिर वॉकिंग आ जाती है हमारी। फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो आप नॉर्मली देखते हो कि बच्चा 15 या 16 ईयर्स का हो जाता है, तो उसके बाद उसकी एक हाइट उतना इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है, या फिर हम वेट की भी बात करें तो काफ़ी हद तक ये कॉन्स्टेंट ही रहता है। लेकिन इन्फेंसी में क्या चीज़ होती है कि फिज़िकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, कि आप देखो बच्चा बॉर्न हुआ वो कितना सा होता है, और जब वो 2 ईयर्स का होता है वो कितना बड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ के यहाँ पे फिज़िकल डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड होता है, बहुत तेज़ गति से होता है। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्टेड। तो यही फेज है जब हमारा जहाँ से लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है कूइंग, देन बैबलिंग, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा रोना स्टार्ट करता है, कू कू की आवाज़ निकालना शुरू करता है, फिर बैबलिंग मतलब एक सिंगल अक्षर जिसे हम बोलते हैं, सिंगल वर्ड जैसे क प मा, इस तरीके के वो प प मम्मा ऐसे ऐसे वो बोलने लगता है। तो ये ही हमारा फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा यही होता है। और यहाँ पे बच्चा किसके थ्रू सीखता है, तो यहाँ पर बच्चा मेनली सेंसेस के थ्रू सीखता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के थ्रू वो नहीं सीख रहा है, कि वो आसपास वो नहीं उसे नहीं पता लग रहा उसके आसपास चीज़ें क्या चल रही हैं, तो यहाँ पर वो बच्चा खुद से चीज़ें सीख रहा है, सेंसेस के थ्रू वो खुद से लर्न कर रहा है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के बारे में। तो अर्ली चाइल्डहुड अभी हमने जैसे बात करा कि ये कौन से ग्रुप तक आता है, तो ये हमारा होता है 2 to 7, एंड इसे हम बोल सकते हैं 7 to 11, या फिर हम इसे 12 भी काउंट कर लेते हैं काफ़ी केसेस में।
तो 2 to 7, तो 2 to 7 एक वो एज ग्रुप होता है कहीं ना कहीं हमारा, जो हम प्री स्कूल एज मेनली बोल सकते हैं कि अभी बच्चे ने स्कूल जाने स्टार्ट नहीं करा, या फिर अगर बच्चा स्कूल में भी होता है तो वो कौन सा किंडरगार्डन, नर्सरी, प्ले, इन सब क्लासेस में होता है। तो ये हमारे प्री स्कूल एज होती है जहाँ पे बच्चा भी स्कूल जाने स्टार्ट नहीं किया होता। उसके बाद में मैंने वर्ड लिखा ईगो सेंट्रिक। तो ईगो सेंट्रिक क्या है? तो ईगो सेंट्रिक या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड। तो इस एज में बच्चे की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो कि ईगो सेंट्रिक होता है। कि अगर आप किसी 5 साल के बच्चे से मिलो, और एक बहुत बेसिक एक कॉमन एग्जांपल है जो आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा अपनी लाइफ में, कि उस बच्चे से आप जाके बोलो, वो अपनी मदर को बोल रहा है कि ये मेरी मम्मी है, और बाई चांस अगर आप उससे जाके ये बोलते हो कि नहीं आपकी मम्मी मेरी मौसी है, तो वो ये चीज़ नहीं समझेगा कि वो आपके साथ भी उनका कोई और रिलेशन है। वो बस एक चीज़ समझता है कि ये पर्टिकुलर इंसान केवल जो है वो उसी के लिए है। तो उसकी जो लाइफ है वो उसके सेंटर्ड में है, मतलब वो अपने आप को सेंटर में रखे और बाकी चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर रहा है। वो कोई और रिलेशन समझ ही नहीं पा रहा कि यहाँ पर वो बोलेगा कि नहीं, वो केवल मेरी मम्मी है, वो आपकी मौसी नहीं है। तो एक बहुत एक कॉमन से एक चीज़ एग्जांपल है। तो हर एक चीज़ बच्चा ये देखता है कि अगर आप उससे बोलो कि आप किस टाइम खाना खाते हो, तो एक कॉमन से एक एग्जांपल हो सकता है, वो ये बोल सकता है आपसे कि जिस टाइम पे मेरे पापा ऑफिस से घर आते हैं मैं उस टाइम पे खाना खाता हूँ। उसे नहीं पता खाना खाने का टाइम क्या है, वो बाकी चीज़ों को रिलेट कर ही नहीं पा रहा, वो रेफरेंसेस नहीं ले पा रहा, बस वो अपने आप से रिलेट करके आपको उस चीज़ में आंसर देगा। और वो अपने आगे, आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक होता है कि एक ज़िद होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो अपने आगे नहीं सुनते किसी की, उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अगर हम इस फेज की बात करें जो हमारे स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पे एक बहुत क्रिशियल फेज है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो बोलते हैं ना कि बचपन में आप एक बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे का, तो कहीं ना कहीं जो उसकी बिल्डिंग होगा, जो बच्चा आगे चीज़ें सीखेगा, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन के आगे क्रिएट होंगी। तो वही चीज़ है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर आप इस फेज पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है, कि कोई बच्चा है अगर जिसकी फैमिली में इंग्लिश बोली जाती है और वो बचपन से वही उसकी मदर टंग है, वो ही चीज़ सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे आगे जाके जो उसकी फ्लुएंसी होगी, जो उसका बोलने का वे होगा, जो उसकी वोकैब होगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेरिजन टू अदर चाइल्ड जिसकी फैमिली बैकग्राउंड शायद वो इंग्लिश स्पीकिंग का ना हो, जिसकी मदर टंग इंग्लिश स्पीकिंग ना हो। तो वही चीज़ है कि जिस तरह की लैंग्वेज उसे बच्चे को इस फेज में सिखाई जाएगी, वो उसी तरीके से उसकी आगे की डेवलपमेंट प्रोसीड होगी। फिर है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो कि हमारा 7 to 11 ईयर्स में होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इसकी स्कूल एज, कि इस एज में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। अब कौन सी बात है, स्कूल जाएगा तो वो क्या करेगा, जो उसके पीयर्स होंगे, जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा, वो फ्रेंड सर्कल में आएगा, वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा, उनके साथ खेलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्ले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कि बच्चा आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट करता है। वो प्ले यहाँ पे खेलेगा अलग अलग प्ले के, हम टाइप भी डिस्कस करेंगे बाकी की वीडियोस में कि प्ले के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, किस किस ने अलग अलग क्या क्या टाइप दिया और क्या क्या प्ले के बारे में बोला, तो उसकी भी एक अलग वीडियो आएगी। उसके बाद है गैंग एज, कि बच्चा पीयर के साथ अगर वहाँ पे बात कर रहा है, लोगों के साथ मिलजुल रहा है, सोशलाइज हो रहा है ज़्यादा, तो वो गैंग बनाएगा, अपने ग्रुप्स बनाएगा अपने फ्रेंड्स के। फिर है एक बहुत क्रूशियल स्टेज है ये हमारा डेवलपमेंट का। हम क्यों बोल सकते हैं क्रूशियल स्टेज, क्योंकि यही एज है जब बच्चे को हमें चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रियलाइज़ करा हम कराते हैं, हम छोटी छोटी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे हमारी एरिक्सन की थ्योरी में कि उसने 8 स्टेजेस के बारे में बात करी, और इस पर्टिकुलर स्टेज में हमारा क्या आता है, हम बात करेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी की। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी क्या है, तो अभी हम बस मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी यहाँ पर आपको, बाकी जब मैं इसकी पर्टिकुलर वीडियो इसकी आएगी तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी क्या है, तो बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा, जैसे एक 8 ईयर्स का बच्चा है, वह स्कूल से आता है, वो अपना बैकपैक जैसी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बच्चे को देनी चाहिए हर किसी को, कि अगर वो चीज़ वहाँ पे वो सीख
जाते हैं तो एक उसके अंदर एक लगेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस है कि हाँ एक इंडस्ट्री, मतलब एक ये फीलिंग डेवलपमेंट होगी कि हाँ मैं यहाँ पे ये काम खुद से कर सकता हूँ। बट अगर आप बच्चे को बोलते हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई रिलेटिव आया, कोई गेस्ट आया और बच्चे ने बोला कि ठीक है मैं वहाँ पे लोगों को खाना सर्व करके आता हूँ या पानी देकर आता हूँ, एक छोटा सा चीज़, तो वहाँ पे हमें बच्चे को रोकना नहीं चाहिए कि नहीं मैं भी आपसे गिर जाएगा, ग्लास टूट जाएंगे। तो उस अगर हम वहाँ पे बच्चे को रोक देंगे तो उससे क्या होगा, एक इन्फीरियरिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, उसे लगेगा कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं उस काम को नहीं कर सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ उस काम को करने के। तो बच्चा उस चीज़ में सक्सेस होता है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज अ टीचर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम अपने आसपास में भी जो बच्चे देखते हैं कि इस फेज में आके हमें उन्हें छोटी छोटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करानी पड़ेंगी, उनको छोटे छोटे काम देने पड़ेंगे जिसके थ्रू उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो और वो आगे जाके अपना उसके बेसिस पर वो और आगे ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और एक बहुत अपने आप को एक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो हमारी लास्ट स्टेज है एडोलेसेंट, इट्स 11 टू 18 ईयर और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में कहीं ना कहीं, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी ने एक पर्सन की लाइफ पर। तो वो किस तरीके से, तो वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा, हम ट्रांजिशनल चेंज की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिशनल चेंज क्या है कि अब यहाँ पे आप क्या है कि चाइल्ड टू एडल्ट, अब यहाँ पे इससे पहले आप क्या थे, इससे पहले आप बच्चे थे, हमने चाइल्डहुड की बात करी, हमने चाइल्ड टर्म यूज़ करा, बट अभी हम क्या बोलेंगे कि अब चाइल्ड से हट के अब एडल्ट, अब बड़े हो चुके, बोलते हैं ना कि अब 18 में यू हैव द राइट टू वोट, यू हैव द राइट टू वोट। अभी आपके पास चीज़ हैं कि गवर्नमेंट को भी वो चीज़ लगती है कि अब आपकी रीजनिंग इतना डेवलप हो गई है, आप चीज़ों को लॉजिकली सोच सकते हो, आप उसके पीछे का रीजंस फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास राइट्स आ जाने चाहिए। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब की बात करें तो गवर्नमेंट दैट्स अ रीज़न कहीं ना कहीं कि एक एडोलेसेंस एक एज है जिसमें आपको गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ इस एज में आगे बच्चा उतना मैच्योर हो चुका है कि उतनी समझ उसमें आ चुकी है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। तो एक ट्रांजिशनल फेज है कि जहाँ बच्चा चाइल्ड से अब एडल्ट बन चुका है। उसके बाद फेसेस मैनी चेंज, तो किस तरह के चेंज यहाँ पे बच्चा फेस करेगा, तो बात हम करें कि बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल लेवल पे भी और फिजिकल, तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पे बच्चा फेस कर रहा है। हम बायोलॉजिकल की बात करें तो हम सबको पता है कि इस एज में आके बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हम इसे प्यूबर्टी, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चा प्यूबर्टी गेन कर लेता है, तो वही चीज़ की हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा आने लगते हैं। तो उसके बारे में हम फिज़िकल डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या फिज़िकल क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे मूड स्विंग्स हमें बहुत देखने को मिलेंगे कि आप बच्चे से जाओगे, वो इस एज में बच्चा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है कि एज अ पेरेंट्स अगर हम जाते हैं किसी के पास, आप बोलोगे बच्चे को कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपके लिए सही नहीं है, आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव हो जाता है कि उसे रोक टोक नहीं पसंद होती है इस एज में, वो बस ये चाहता है कि जो उसे सही लग रहा है, जैसा वो कर रहा है वो सही है और उसे वो सब करना है, एट एनी कंडीशन उसे वो सब चीज़ें करनी है। फिर है हमारा सोशली भी, कि सोशली भी काफ़ी बच्चा या तो वो इस एज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोशलाइज, मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा मिलेगा, या फिर बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि एक बहुत क्रूशियल स्टेज, इसलिए भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। फिजिकली भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हमने बात करी बायोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो फिजिकली भी हमें देखने को मिलेंगे कि हम जो चीज़ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ ये बॉडी में फिजिकल चेंज है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब चीज़ें। फिर है इमोशनल लेवल पे भी बच्चा बहुत सारे मूड स्विंग्स और ये सब देखने को मिलते हैं इस एज में। फिर हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, तो अगर एक क्रूशियल स्टेज इसलिए भी है कि अगर यहाँ पे बच्चे ने अपने आप को अच्छे से चीज़ें डेवलपमेंट उसकी हो जाती है, वो एक आइडेंटिटी
यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। अगर उसे इस स्टेज पे आंसर मिल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ट्वेल्थ में बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें बोली जाती हैं कि यही स्टेज है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी आगे आने वाला फ्यूचर क्या ऐसा होगा। अगर आप इस स्टेज पे ट्वेल्थ में मेहनत कर लेते हो, आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे लेते हो, तो मे बी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, एक आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आपको क्या करना है आगे, तो यही एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि व्हाट वी वांट टू बी, हु आई एम। तो यहाँ पे अगर एक बच्चा इस चीज़ का आंसर देखना होता है, उसे आइडेंटिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है कि अगर उसकी आइडेंटिटी डेवलप यहाँ पे हो जाती है, उसे आंसर मिल जाता है कि हु आई एम आई, हु एम आई, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ यहाँ पे समझ जाता है, चीज़ें सीख लेता है तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप हो जाता है कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, वो हमेशा अपने आप से एक निराश रहेगा, बहुत दुखी रहेगा कि वो चीज़ जो लाइफ में करना चाहता था वो नहीं कर पाया, जो वो बनना चाहता था वो नहीं कर पाया। फिर है लॉजिकल हाइपोडिडक्टिव या फिर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ें होती हैं, हमने बात करी, हम अभी पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे वर्ड कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट चीज़ें क्या होती है, कंक्रीट जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज़ें देख सकते हैं, हमारे सामने कोई, ये फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मेरे को पता है ये बोर्ड है, ये चीज़ें हैं कि ये इसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, ये ऐसा दिखता है, इसका कलर ये है, दैट्स अ कंक्रीट थिंग। बट फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को किसी ने बोल दिया, आपने क्लास में देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके साथ ये हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो टीचर उनसे क्या बोलते हैं कि बेटा मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन के अलावा एक और ऑप्शन टीचर देते हैं कि चलो एक काम हम करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि हम एक किसी एक ऐसे एरिया में, हम डेजर्ट एरिया में हैं या फिर एक हम हिली एरिया में, हमारे आसपास स्नो है, हाँ वो चीज़ फील कर रहे हैं, हम मेडिटेशन में भी जाते हैं या फिर, तो वो सब भी हमें चीज़ सिखाते हैं। तो अब वो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में है नहीं या फिर हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गए हैं, बट हम उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ को सोच पा रहे हैं अपने माइंड में उस चीज़ के आसपास प्रेजेंट हुए बिना भी, तो दैट्स एब्स्ट्रैक्ट कि वो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, हमें नहीं दिख रही। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एंग्री, तो एंग्री क्या कोई फिजिकल चीज़ है जो हम देख सकते हैं कि हाँ ये एंग्री है, नो। तो हम एंग्री इट्स एन इमोशन या फिर एक हैप्पीनेस इज एन इमोशन, तो वो चीज़ हम देख नहीं पा रहे, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो चीज़ हम नहीं अपने आप में फिजिकली उस चीज़ को देख नहीं सकते, तो वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंग। फिर हम लॉजिकल हाइपोडिडक्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि इस एज में बच्चा आके चीज़ों के पीछे का लॉजिक सीखने लगता है। हम इससे पहले पढ़ेंगे कि कंक्रीट चीज़ें, कि इससे पहले अगर हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे तो एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, इससे पहले तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने मैंने एक मार्कर रखा और एक और मार्कर रख दिया, ठीक है, तो ये मैंने दो मार्कर रख दिए, तो बच्चा देख के बता पा रहा है कि ठीक है इसका साइज ये है या फिर फॉर एग्जाम्पल एक बीकर का हम लेते हैं कि एक छोटा बीकर एक बड़ा बीकर है, दोनों में पानी है इक्वल अमाउंट में है, लेकिन बड़ा बीकर है तो उसका पानी कहीं ना कहीं हमें कम दिखेगा इस कंपैरिजन टू, अगर मैं इसका बोर्ड पे ऐसे एग्जांपल लूँ ये चीज़, तो इसमें मैंने इतना पानी फिल करा है, इसमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल है पानी का, लेकिन बच्चा अगर कंक्रीट की हम बात करने से पहले वाला जो फेज है तो शायद बच्चे को उसके पीछे का इतना लॉजिक नहीं पता, वो नहीं बता पाएगा, बस उसे क्या लगेगा कि जिसमें ऊपर तक ज़्यादा भरा हुआ पानी दिख रहा है वो बोलेगा कि इस बीकर में पानी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस फेज तक आते आते बच्चे ये चीज़ सीख पाएगा कि हाँ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि साइज़ भी क्या चीज़ है या फिर बीकर का कंटेनर के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही सब चीज़ें कि वो यहाँ पे रीजंस देना स्टार्ट कर देगा, वो चीज़ों के पीछे का लॉजिक ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप सो कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, देन हमने प्रिंसिपल्स पढ़े कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट पड़ता है, हेरिटेरी एनवायरनमेंट हमारे डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, और उसके बाद में हमने बात करा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू क्लास।